नमस्कार, आप देख रहे हैं UFT लाइव टीवी, मैं हूं आपके साथ अंशु। सब जीवात्माओं के पिता सतपुरुष द्वारा कठोर दुख पाते जीवों की रक्षा व उद्धार के लिए कलयुग के इतिहास में सर्वाधिक दी गई हजारों कलाओं से संपन्न सन 1972 तक 20 करोड़ जीवों, उसके बाद अगले 50 वर्षों में न जाने कितने ही जीवों को नामदान की अमोलक दौलत से सरोबार करने वाले जय गुरुदेव नाम को जगाने वाले शब्द रूपी सर्वत्र विराजमान निज धाम वासी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 10वें वार्षिक तपस्वी भंडारा कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर उमड़े भारी जनसमूह को 25 मई 2022 को जैन आश्रम से दिए यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव UKM पर लाइव प्रसारित संदेश में उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वक्त के संत सदगुरु जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया, सभी जीवात्माओं का असली घर ये दुनिया मृत्युलोक नहीं है। मृत्युलोक में तो सबको एक न एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है। मनुष्य शरीर पाने का असली लक्ष्य यही है, जीवात्मा अपने सच्चे धाम असली घर सतलोक जय गुरुदेव धाम पहुंच जाए, इसे मुक्ति मोक्ष मिल जाए, यानी जीवात्मा को वापस इस दुख के संसार में ना आना पड़े, वहीं चलने का उद्देश्य बनाना है। यह उद्देश्य कब पूरा होगा? महाराज जी ने कबीर साहब के प्रसंग से समझाया कि गुरु भक्ति क्या होती है और क्यों जरूरी होती है। देखो, वो भी एक गुरु हैं, जो विद्या सिखाते हैं, जो ज्ञान कराते हैं, ABCD का काका गागा का जो ज्ञान कराते हैं, वो भी गुरु होते हैं। तो गुरु भक्त बनता है वो, उनके मास्टर जी का यानी अध्यापक टीचर जिनको कहते हो, उनको अपना गुरु मानता है। गुरु का स्थान ऊंचा होता है, उनको वो सम्मान देता है, उनके आदेश का पालन करता है, तो वो हो गुरु भक्त कहलाता है। ऐसे ही इसमें भी गुरु भक्ति ज्यादा जरूरी होती है। और गुरु भक्ति कहते किसको है, वही इसी को गुरु भक्ति कहते, आदेश का पालन। एक आदमी पहुंचा कबीर साहब के पास, कबीर साहब ने कहा, गुरु भक्ति की बात आप करते हो सत्संग में, गुरु भक्ति की बात करते हो, गुरु भक्ति है क्या? जो लंबा सवाल रहता है तो उसका जवाब लंबा रहता है, और बताओ तो उतना असर नहीं होता है, और करके अगर दिखा दिया जाए तो उसका ज्यादा असर पड़ जाता है। उन्होंने सोचा कि इसको प्रैक्टिकल करके ही दिखाया जाए। तो गर्मी का महीना था, दोपहर में खूब तेज धूप थी, बैसाख जेठ में धूप बहुत तेज रहती है, यही बैसाख जेठ का महीना था। ऐसे अपने झोपड़ी की छाया में बैठे थे, तो वो भी वहीं बैठा था। उनको बुलाया अपनी पत्नी को, कभी सामने लो क्या करते थे, वो कपड़ा बुनते थे, धरती होती है बुनते हैं जैसे लगाते हैं, भाई हमारे धरती यहाँ कहीं बाहर खो गई, हाँ बाहर बाहर खो गई, इधर खोज चेक कहाँ चली गई, इधर पूरा खोज करके आए, इधर उधर आस पास में अपनी कुटिया को बुनते बोले, मिली नहीं धरती, अरे नहीं मिली तो चिराग जला करके फिर खोज, चिराग जला कर पक्ष उन्होंने चिराग जलाया, चिराग जलाकर दीपक दिया जिसकी रोशनी होती है अंधेरे में, ये लाइट होती है जब वो हल्की होती है, तो जलाया उस समय यही चलता था, दीपक लोग जलाते थे, जो तेल की कमी रहती थी, ये मिट्टी के अंदर से जो तेल निकलता है इसको मिट्टी का तेल कहते हैं, इसको लोग जलाते थे, और ये खाने वाला तेल है इसका दीपक जलाते थे, तो दीपक जला करते मैं खो जाऊंगा। अब वो आदमी बैठा था और वो माता लोई जो खोज रही थी, उनकी पत्नी देवी कबीर साहब पत्नी खोज रही थी, अब वो बराबर खोज रही थी, ऐसे जैसे दिया हल्की रोशनी से ऐसे कोई ऐसे खोजता है कोई ऐसे खोज रही थी। उस आदमी ने कहा, महाराज ये क्या करवा रहे हो आपने, धूप में बेचारी परेशान हो रही, ये बताइए कि इतनी तेज धूप है, अंधे के सामने हल्का पर्दा जिसके सामने हो और उसके सामने अगर रोशनी हो तो उसको भी रोशनी महसूस होती है,
जितना तेल धूप और आदमी से चिराग जलवा करके खुदवा रहे, बोले यही गुरुभक्ति है। इसी को गुरुभक्ति कहते हैं कि मुंह से निकला नहीं और उस काम में लग गया, वहां अकल नहीं लगाता है। अकल जब नहीं लगाता है वहां करने लग जाता है, वही सफल हो जाता है। तो गुरुभक्ति जरूरी है। तो भक्ति आती कैसे है, ये जो काम आप देख रहे हो रहा है, गुरुभक्ति इसी से आती है। गुरु इसी में याद आते हैं, गुरु से प्रेम इसी में होता है। और गुरु से जब मौके पर प्रेम कर लेता है, समय से आदमी प्रेम कर लेता है और आदेश का पालन करने लगता है, तो आज नहीं कल उसकी कामना, उसकी इच्छा, उसका जो लक्ष्य है जीवन का, जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने का, वो पूरा हो जाता है। ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UFT Live TV। नमस्कार।